ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله वक़ुलफिन्नाक अलवाफ़ी बिमाफ़ सही हीन सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहदीस पर मुश्तमिल एक अज़ीम किताब जिसके राइटर शेखसाल शामी हैं और उन्होंने इस किताब में बुखारी मुस्लिम की अदीस को इस अंदाज़ से जमा किया है कि अहदीस में तकरार से बचने की हर मुमकन कोशिश की है किताब को तकरीबन दस मकासद में तकसीम किया है उनमें से पाँचवा मकसद है अलजातरिया वो अहदीस जिनका ताल्लुक़ इंसान की लाजमी और ज़रूरी हाजात से है और इसमें पहली किताब है किताब अमा और ये किताब जो है इसमें फिर गुफ्तु है उन जानवरों के बारे में जिनको बा किया जाता है और उनके बारे में जिनको शिकार किया जाता है और ये किताब अतीमा की दूसरी फ़सल है और इस फ़सल में कई एक अब हैं उनमें से दसवां और आखिरी बाब आज हम पढ़ेंगे बाब बाबू अनसवरबा इम दसवां बाब इस बारे में है कि किलासबालाबाहाम के जानवरों को निशानाबादी के लिए बांध कर मारने की ममानत अलबहाइम का मना क्या होगा जानवर बहिमा की जमा है सब्र से मुराद यह है कि जानवर को बांध लेना मुराद क्या है इसलिए बांध लेना ताकि हम इस पर निशानाबादी करेंगे तीर मारेंगे देखेंगे मरा तीर इसको लगता है कि नहीं लगता तो शरीयत जो है वो लम से रोकती है किसी पे भी करने की इजाज़त नहीं है आप जानते हैं कि हमारी शरीयत वो है जिसमें नबी अली सात अलीस्म ये बताते हैं कि एक औरत को इस लिए जहनम में फेंका गया कि उसने एक बिल्ली को बांध रखा था कैद कर रखा था उसे खाना भी नहीं देती थी और छोड़ती भी नहीं थी कि ख़ुद अपना खाना तलाश करें जब इतना जुल्म किया तो इस वजह से उस औरत को कहाँ फेंका गया जहनम की आग में फेंका गया तो जुल्म जायज़ नहीं है ना बच्चों पे, ना औरतों पे, ना जानवरों पे। बच्चों औरतों और का मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिया है क्योंकि वो भी मर्दों के मुकाबले में क्या कमज़ोर है बच्चा कमज़ोर होता है और औरत भी एक कमज़ोर मखलूक है तो इन पे म करने वाला शायद ये समझता हो कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर आसमान वाला भी है वो देख रहा है और हमसे कहा गया है कि वकीदा वतल मज़लूम मजलूम की बदुआ से बचो क्योंकि मजलूम की बदुआ और अल्लाह के माबे कोई हिजाब नहीं होता कोई रुकावट नहीं होती तो बहरहाल यहाँ पर गुफ्तु हो रही है किस बारे में जानवरों के बारे में कि जानवरों को बांधना तो इसकी क्या है ममानत आई है तो इससे बचना चाहिए हदीस नंबर है ग्यारह सौ उनतालीस वन वन थ्री नाइन काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफाक़ है किस किस का इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का और यहाँ पे यह बता दूँ कि इत्तिफाक से मुराद ये नहीं है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने कोई मीटिंग की थी कि आप भी इस हदीस को अपनी किताब में जगह दें और मैं भी दूँगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है मतलब ये है कि जब बुखारी भी लिखी गई मुस्लिम भी लिखी गई बाद में हमने देखा कि यह हदीस बुखारी में भी मौजूद है मुस्लिम में भी मौजूद है तो नोमाई क़राम इसको क्या कहते हैं फिर मुतफ़ुन अलई कि वो हदीस जिसपे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों का इतफाक हो गया है अनसईदबिन जुबैर रवैत किस्से सईद बिन जुबैर से बहुत बड़े ताबी हैं कला वो कहते हैं कन तो इंद अबिन जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रदी ला तला नुमा के पास था फमर्रू बफ़तिया तो वो गुजरे चंद नौजवानों के पास से अफ़ारन या चंद लोगों के पास से यानी कि रावी को शक हो गया है कि ऊपर से जो हदीस आ रही थी उसमें लफ्त फितिया था या नफ़र था क्या लफ्त सईद बिन जुबैर ने यह इस्तेमाल किया था अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे चंद नौजवानों के पास से या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे चंद लोगों के पास से चंद लोगों के पास से या चंद नौजवानों के पास से इन में से एक लफ्ज़ बोला है सईद बिन जुबैर ने लेकिन सईद बिन जुबैर से अदीश जब नीचे आती है तो नीचे आने वाले रावियों में से किसी रावी को शक हो गया है कि लफज क्या इस्तेमाल हुआ था और कोई माना के लिहाज से कोई बड़ा फर्क नहीं है नसबुदजा जतन इन नौजवानों ने क्या किया जिनके पास अब्दुल्बी उमर गुजरे इन्होंने एक मुर्गी को बांध रखा था क्या किया हुआ था एक मुर्गी को बांध रखा था किस लिए निशानाबादी की मशक कर रहे थे बल्कि मुस्लिम शिव में चंद अल्फाज और आए हैं जिनसे मजीद सूर्त हाल वादे होती है कि जो मुर्गी का मालक था उससे इन नौजवानों ने तय कर रखा था कि हम तुम्हारी मुर्गी पे क्या करेंगे निशानाबादी करेंगे और इतफाक आपस में यह हुआ था कि जहां पे हम में से किसी का निशाना चूक जाएगा खता कर जाएगा नहीं लगेगा वहां पे हम आपको इतना मुआवजा अदा करेंगे यह कि जो निशाना लग गया वो तो लग गया और जहां हमसे निशाना नहीं लग सका वहां हम आपको इतना इतना यानी कि इतने पैसे देंगे तो आप अंदाजा करें कि जानवर पे कितना बड़ा जुल्म हो रहा था इसलिए हमारी शरीयत की तरफ देखें कितनी खूबी है इसमें और हमारी शरीयत में इतदार भी है साथ ये भी याद रखिएगा हमारी शरीयत एक तरफ हमें मुर्गी को ज़िबा करके खाने की इजाजत देती है बकरी बकरे को ज़िबा करके खाने की इजाजत देती है गाय वगैरह को बा करके खाने की इजाज़त देती है ऊँट वग़ैरह को ़िबा करके खाने की इजाज़त देती है दूसरी जानब शरीयत ये कहती है कि जब जानवर को ़़िबा करो अच्छे तरीके से िबा करो बा करते हुए जानवर के साथ नेकी करो, ने करो। यानी कि उसे तड़पाओ नहीं छुरी तेज होनी चाहिए ताकि जानवर जल्दी से ़िबा हो जाए ऐसा ना हो कि वो तकलीफ़ें महसूस करता रहे और तड़पता रहे दूसरी तरफ शरीत ने जानवर का गोश खाने की इजाज़त भी दी है अब लोग कैसे हैं दुनिया में या तो वो ालम है जो जानवरों को जिंदा रख के तड़पाते हैं तमाशा देखते हैं एक तीर मारा जाए फिर दूसरा मारा जाए फिर तीसरा मारा जाए निशानाबादी की मशक़ की जाए और आपस में मुकाबले लगाए जाएँ नौजवान तालियां बजाएं। भी तुम्हारा तीर लग गया है और जानवर तड़पेगा इनको मज़ा आएगा एक तरफ ये ालम लोग मौजूद हैं दूसरी तरफ वह हैं जो कहते हैं हम जानवरों के हकूक़ के ठेकेदार हैं वो कहते हैं गोज खाना ही नहीं चाहिए क्यों क्योंकि ये जानवरों पे क्या है जुल्म है तो हमारी शरीयत में क्या है एतदाल अल्लाह ताला ने ये चीजें किस लिए पैदा की हैं इंसानों के लिए पैदा की हैं तो इंसान इनसे फायदा उठाए जायज तरीके से कोई मसला नहीं लेकिन झुल्म करे इसकी इजाजत नहीं है फलम इबन उमर तो जब इन नौजवानों ने देखा किसको जनाबी अब्दुल्ला अबिन उमर को तो तफर रखू आल्हा तो वो उस मुर्गी को छोड़ के मुंतशिर हो गए भाग गए दाएँ बाएँ हो गए पता था अब्दुल्ला अबिन उमर आ रही हैं हमें डांटेंगे हमें समझाएँगे हमें नसीहत करेंगे तो वो जल्दी से दाएँ बाएँ हो गए मुंतशर हो गए वक़ाल अबिनमर तो जनाब अब्दुल्लाबन उमर ने कहा मनफ़ आल् अदा ये हरकत किसने की है कौन सी हरकत ये मुर्गी को बांध कर उसके ऊपर तीरों की मशक करना निशानाबादी करना यह हरकत किसने की है इतना बड़ा जुल्म किसने किया है फिर कहा इन नबी अली नबीत उसम ने लानत की उस शख्स पे जो ये हरकत करे लानत किसने की है नबी अली सात अलीसम ने तो क्या पता चला कि आप म हैं या रहम करने वाले हैं जानवरों पे भी रहम करने वाले हैं यानी कि आपको नफरत है उस इंसान से जो जानवरों पे इस अंदाज से जुल्म करे आपने उस पर लानत की है यहां से अंदाजा लगा लीजिए दी दीन इस्लाम के मिजाज का दीन इस्लाम कितना अजीम दीन है किसी पे जुल्म करने का जुल्म करने वाला नहीं है रहमत पे मबनी यह दीन है और जब मुसलमान जिहाद करते हैं तो वो भी दरअसल इंसानों पे क्या होता है रहम करना होता है जिहाद होगा तो लोग इस्लाम की बात सुनेंगे तोहिद की बात सुनेंगे और जहन्नम की आग से बचने वाले बनेंगे तो ये भी इनकी असलाह के लिए है ये भी इनके फ़ायदे के लिए है तो बहरहाल यहाँ पर अब्दुल्लाबी उमर शदी नाराज हुए हैं अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं मिसाल के तौर पर ऊंट को िबा किया जाता है नहल करते हैं तो उसकी एक टांग बांधी होती है तो अल्लाह के रसूल ने तो इसे रोका है तो मुराद ये है एक है जानवर को जिबा करने के लिए बांधना उसके फायदे के लिए ताकि उसको ज़िबा करने में ज्यादा वक्त ना लगे अगर उसको बांधा नहीं जाएगा वो भाग जाएगा और अब छुरी लग चुकी है भागेगा जान निकलेगी वक्त लगेगा ये 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 क्या होगा उसको तकलीफ होगी तो ये बांधना जानवर के फ़ायदे के लिए है और एक बांधना है उस पर जुल्म करने के लिए जानवर को बांध देना अब जिबा नहीं करना कभी एक खंजर इधर से मार देना इधर कोई एक हंजर इधर से मार देना एक तीर इधर से मार देना एक तीर इधर से मार देना ताकि वो तड़पता रहे और जान निकलने में उससे घंटा लग जाए दो घंटे लग जाएँ और इंसान देखने वाले जो हैं वो तालियां बजाएं और हंसें और मुस्कराएं तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती हदीस नंबर 1140 1140 मीम इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अली इब्न अब्बास रضي الله عنهما रवायत है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रضي الله से नबी अली सत के क्या लगते हैं चचा के बेटे हैं आपके कजन हैं हाशमी खानदान से ताल्लुक रखते हैं सल उनसे बेशक नबी वसल्लम ने फरमाया किसी भी ऐसी चीज को जिसमें रूह हो निशाना ना बनाओ क्या मतलब निशाना ना बनाओ उसे निशानाबादी का हदफ ना बनाओ या कोई भी ऐसी चीज जिसमें रूह हो किसको हदफ ना बनाओ किसका निशानाबादी का जनाब नौजवान कट्ठे हो जाए और तय करें आओ जी अपने अपने देखते हैं किसका निशाना अच्छा लगता है तो निशाने किस आजमाए उस चीज पे जिसमें रूह हो चाहे वो बकरी हो चाहे वो गाय हो चाहे वो ऊंट हो कोई भी ऐसी चीज हो हती के कुत्ता भी नहीं हालांकि इस्लाम कुत्ते को अच्छा नहीं समझता दीन इस्लाम में कुत्ता शौकिया तौर पर रखना है एक जुर्म है जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद नेकियां कम होती हैं इसके बावजूद आपको इजाजत नहीं है कि कुत्ते को इस अंदाज से मारे तो आपने क्या कहा लात, तखी कोई भी ऐसी चीज जिसमें रूह हो जो जानदार है उसको हदफ बनाने की इजाजत नहीं है इसके साथ ही ये किताबुल किताबुलमा की दूसरी फसल अपने को पहुंची और अब हम बढ़ते हैं तीसरी फसल की तरफ अलफल अल ये किस बारे में है कुर्बानी के बारे में पहला बाप बा उदहिया पहला बाप किस बारे में है कुर्बानी के तरीके के बारे में और उसके वक़्त के बारे में यानी कि कुर्बानी वक्त क्या कब की जाएगी कुर्बानी जानवर को कुर्बानी कब कबा किया जाएगा हदीस नंबर ग्यारह सो इकतालीस इस हदीस के बयान करने पर इतफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अनिल बरा इबन आज रवैत है जनाबे बरा बिन आजिब रज ते वो कहते हैं फरमाया नबी सब सबसे पहली वो चीज जिससे हम आगाज करेंगे इस दिन का। वो क्या है किसली के हम नमाज पढ़ेंगे आज ईद का दिन है आप फरमा रहे हैं कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन का आगाज हम किससे करेंगे नमाज से कौन सी नमाज नमाज ईद अजहा यानी कि ईद की नमाज की बात कर रहे हैं आप आप करें इन्ना अव्वल सबसे पहली वो चीज़ जिसके साथ हम आज आगाज करेंगे वो क्या है के हम नमाज पढ़ेंगे नर्जिया, फिर हम वापस जाएंगे कहाँ अपने घरों में फन नहर हम क्या करेंगे कुर्बानी करेंगे नहर का एक मन होता है कि हम नहर करेंगे नहर से मुराद क्या होता है नहर का माना कभी तो होता है ज़िबा करना आम और यहाँ पे उम्मीद यही है कि माना आम है कि हम वापस अपने घरों में जाएंगे फना नहर तो हम जानवर अपने अपने जानवर ज़िबा करेंगे और एक नहर का ख़ास माना होता है ख़ास माना क्या कि ऊँट को खड़ा करके ज़िबा करना कैसे कि आप छुरी या खंजर या बर्छी मारेंगे उसकी गर्दन के करीब गड़े में तो उससे क्या होगा खून निकलेगा जब खून उसका तेजी से निकलेगा वो कमजोरी महसूस करेगा वो गिर जाएगा और उसकी आशा से जान निकल जाएगी तो इसको क्या कहते हैं नाहर करना लेकिन नाहर का माना कभी आम माना होता है जिबा करना चाहे जैसे भी किया जाए नाहर के तरीके से या लिटा कर तो यहां पर क्या माना है आम माना है तो फरमाया सबसे पहला काम आज के दिन जो हम करेंगे वो क्या है नमाज पढ़ना सुबर जिया फिर हम वापस जाएंगे कहाँ अपने घरों में फनन हार तो क्या करेंगे हम अपने अपने जानवरों को जिबा करेंगे मन जिसने ये काम किया फकद असाब सुन्नतना उसने हमारा तरीका पा लिया उसने हमारा तरीका हाँ हमारा फिर तरीका ये है क्या तरीका कि सुबह नमाज पढ़ना सबसे पहले उसके बाद घरों में पहुंच के क्या करना जानवर जिबा करना यह हमारा तरीका इनके पहले नमाज बाद में जिबा करना यह हमारा तरीका मन आल जिसने ये काम किया फकद असाब सुन्नतना उसने हमारा तरीका पा लिया उसने इस्लाम का तरीक़ा पा लिया उसने नबी अलीस्तम का तरीक़ा पा लिया वन जब हबलू और जो इससे पहले जिबा करे किससे पहले नमाज से पहले फ इन नमा मुनकदम तो सुबह इसके नहीं वो तो एक गोश्त है जिसे उसने अपने घर वालों के लिए पेश किया है जो नमाज से पहले िबा करे तो उसकी कुर्बानी नहीं बनेगी कुर्बानी उसकी बनेगी जो नमाज के बाद विबा करेगा वक्त से पहले आप बा करेंगे चाहे आपकी नीयत जितनी भी अच्छी थी जानवर आपने चालीस हजार रुपए में पचास हजार रुपए में खरीदा नेकनी से खरीदा कुरबानी के दिन ज़िबा किया लेकिन नमाज से पहले आपकी जानवर कुरबानी का जानवर नहीं है हम ये नहीं कहते कि हराम है हलाल है अगर आपने बिस्म अकबर पढ़ा था शरीय के मुताबिक ज़िबा किया वो हलाल है लेकिन कुरबानी नहीं है वो आम जानवर है जैसे पूरे साल में आप बा करते हैं तो फरमायाबाह कबलू जो इससे पहले ज़िबा करे किससे पहले से। नमाज से पहले फ इन नमा हुआ तो सुबह इसके नहीं वो एक गोश्त है कद्द महूल आलि जो उसने अपने घर वालों को पेश किया है ले समिन फी शई वो में से। कुर्बानी में से कुछ भी नहीं है इनके उसका कुर्बानी से कोई ताल्लक नहीं है कोई वास्ता नहीं है यानी कि कुर्बानी वाला सवाब नहीं मिलेगा कुर्बानी वाली इबादत अदा नहीं हुई लई सबने नुकी फी शई वो कुर्बानी में से कुछ भी नहीं है कुर्बानी से उसका कोई ताल्लक नहीं है फ़काम अबू बुरदा नियार हदीस के रावी कौन है बरा बिन आजब ये सहाबी बयान कर रहे हैं हदीस को तो वो कहते हैं अबू बुरदा बिन नियार खड़े हो गए ये रावी का अबू बुरदा का आपस में क्या तल्लक है दिगर रवायात में वजाहत आई है कि बरा कहते हैं मेरे मामू अबू बुरदा खड़े हो गए कौन खड़े हुए मामु। मेरे मामू अबू बुरदा बिन नियार अबू बुरदा के नाम क्या है हानि अबू बुरदा तो कुनियत है ना उनकी तो नाम क्या हानि तो अबू बुरदा बिन नियार खड़े हुए जबकि वो जिबा कर चुके थे कब कबा कर चुके थे, थे? नमाज से पहले नमाज से पहले जिबा कर चुके थे इसलिए वो तो खड़े हो गए सवाल करने के लिए कि ये क्या बना फकाल कहने लगे इन दी जदा कि अल्लाह के रसूल अलीला तोलाम मेरे पास बकरी का जजा है जजा है लेकिन किन में से बकरियों का जजा यानि के हर जानवर में एक जानवर जजा होता है जजा एक उम्र का नाम है देखें शरीयत में किस उम्र में आप जानवर को जिबा कर सकते हैं बतौर कुर्बानी जो दो दांता हो यानी कि उसके दूध वाले दांत गिर के उसकी जगह पे दूसरे दो दांत आ चुके हों या कम से कम दूध वाले गिर चुके हों तो दूसरे दांत अगर आ चुके हैं तो वो क्या है मुसिन्ना उसको अरबी में क्या कहते हैं मुसिन्ना और उर्दू में हम क्या कहेंगे दो दांता तो द, दो दांता से मुराद क्या है कि दूध वाले दांत गिर के नए दांत आ चुके हैं या कम से कम दूध वाले दांत गिर चुके हैं इसको क्या कहते हैं मुसिन्ना मुसीना से पहले जो होता है जानवर वो क्या होता है जदा वो क्या है जजा और जजा बकरी में से भी होगा भेड़ में से भी होगा तो यहां पे वो बात कर रहे हैं बकरी के जदा की और इस जदा से मुराद क्या है एक साल का बकरी का बच्चा बकरी का बच्चा लेकिन कितने साल का एक साल का तो कहते हैं बेशक मेरे पास बकरी का बच्चा है एक साल का जिसको क्या कहते हैं जजा फाला तो आपने कहा इत बहा तुम इसे जिबा कर लो लेकिन वलंतजी दिन बाद का तुम्हारे बाद किसी और से यह कफायत नहीं करेगा यानी कि यह रुख्सत सिर्फ तुम्हें दी जा रही है यानी कि बकरी का तुम वो बच्चा जिबा करने लगे हो जब भी दो दांता नहीं है क्योंकि तुम यह गलती कर चुके हो तुमने जानवर सही खरीदा था लेकिन वो तुमने नमाज से पहले जिबा कर लिया है अब तुम्हें बता रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं था अब तुम कहते हो कि मेरे पास बकरी का एक साल का बच्चा है चलो तुम जिबा कर लो लेकिन ये बाकी मुसलमानों के लिए नहीं है ये सिर्फ तुम इजाजत दे रहे हैं बस ये खास तुम्हारे लिए वरना बकरी का कौन सा बच्चा जायद होगा जो दो दांता हो जो दो दांता हो तो फरमा इजबाह तुम इसे जिबा कर लो वलन तजिया हर गिर कफायत नहीं करेगा हादिन किसी से भी बात तुम्हारे बाद यानी कि ये जो दो दांता बकरी का बच्चा नहीं है ये तुम्हारे बाद किसी और से किफायत नहीं करेगा कोई और किसी और को जांच नहीं है इस बात की तो ये था हमारा बाब कि कुर्बानी का तरीका और कुर्बानी का वक्त कुर्बानी के जानवर जीवा करने का वक्त कौन सा है तो क्या फिर पता चला नमाज के बाद नमाज से पहले इजाजत नहीं।, नहीं है उसके बाद दूसरा बाब बाप, बाप सिन्न उदहिया कुर्बानी के जानवर की उम्र का बयान बताया जाएगा कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए हदीस नंबर ग्यारह सौ बतालीस वन वन फोर टू मीम इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से इमाम मुस्लिम अंजा बिर रवायत जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लांसारी रदी अल्लाह तुम से अल्लाह उनसे भी राधी हो और उनके वाल साहब से भी राधी हो कल वो कहते हैं काल रसूल सल्ह वसलम फ़रमाया रसूल सल वसम ने ला तहसन्ना दो दांते के अलावा किसी को ज़िबा ना करो कुर्बानी के मौका पे कौन सा जानवर जीवा करेंगे दो दांता फरमाया यानी कि ऊंट में से भी दो दांता गाय में से भी दो दांता बकरी में से भी दो दांता और बेर और दुम्बे और मेंढे में से भी दो दांता अच्छा अब आप कहेंगे उम्र बताएं हमें कितने साल का हो हम कहेंगे शरीयत ने कहा दो दांता शरीय क्या उसूल क्या है दो और हमारी शरीयत के उसूल वो होते हैं जो पक्के रहते हैं जो क्या होते हैं पक्के रहते हैं। अब हर जमाने के मुख्तलिफ कई तरीके ईजाद हो जाते हैं फिर खत्म हो जाते हैं फिर नए लोग आते हैं वो को और चीज ईजाद कर लेते हैं लेकिन शरीयत ने वो चीज उसूल बताए हैं जो क्या तक के लिए रहेंगे अब आजकल पाको हिंद में क्या सिक्का चाह रहा है रुपया सऊदी अरब में क्या चाह रहा है रियाल तो ये चीजें तब्दील होती रहेंगी लेकिन सोना चांदी ये हमेशा रहेंगे सोना चांदी हमेशा रहेंगे शरीयत ने ज़कात जब बताई तो उसमें क्या बताया सोना चांदी का बताया वो हमेशा रहेंगे शरीयत ने क्या बताया बकरी बकरी किस गात बताई ऊंटों की इस बताई ये सब चीजें वैसी रहेंगी तो अब यहां पर शरीयत ने क्या कहा दो दान अब शरीयत अगर उम्र बताए तो उसमें इख्तराफ पैदा हो जाएगा क्या दो दांता जानवर मिसाल के तौर पे आप ले लें बकरी में से भेड़ में से दो दांता हो जाएगा मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया में अपनी तरफ से मिसाल मैं दे रहा हूँ दो साल की उम्र में अढ़ाई साल की उम्र में अगर आप ठंडे इलाके में चले जाएं तो शायद वहाँ पे कोई और उम्र हो दो दांता होने की मजीद गर्म इलाके में चले जाएं हो सकता है कोई और उम्र हो पहाड़ी बकरे और शहरी बकरे लोगों के साथ रहने वाले इसमें भी फर्क हो जाता है तो इस शरीत का असूल क्या है दो दांता अलबत्मा के नाम ने उम्र बताई है यह अंदाजे है। ये क्या है ये अंदाजे हैं मिसाल के तौर तो पर उलमाई के नाम कहते हैं गाय में से दो दांता दो दांती गाय वो होगी जो दो साल की हो जाए तीसरे में दाखिल हो जाए बैल दो दांता वो होगा जो दो साल का हो जाए और तीसरे में दाखिल हो जाए ऊन की तरफ आ जाए उमा के नाम ने बताया कि पांच साल का हो जाए तो क्या हो जाएगा दो दांता होगा तो इसी तरह तो लेकिन असल क्या है दो दांता होना तहू अला मुसिनतन तुम तो ना जीबा करो मगर उस जानवर को जो दो दांता हो इलासरा लेकिन यह कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए इनके पहला असूल क्या है दो दांता होना लेकिन अगर मुश्किल हो जाए दो दांता नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा मार्केट में दस्तियाब नहीं है या मार्केट में दस्तियाब है लेकिन आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो अगर दो दांते का हसूल क्या हो जाए मुश्किल हो जाए नामुमकिन हो जाए फिर शरीत ने कहा फते बहू आतम आतमानी फिर तुम जिबा कह सकते हो जजा खीरा कौन सा जानवर है खीरा जानवर खीरा उम्र के लिहाज से खीरा के। खीरा जानवर लेकिन किसका बकरी का नहीं गाय का नहीं ऊटनी का नहीं मेरजा नहीं भेड़ का बेड़ का, दुंबे का, मेंडे का, तो इधर कौन सा चल जाएगा खीरा भी चल जाएगा हाँ तो खीरा जो है अब वो खीरा कितने का होगा कुछ छह महीने का कुछ ने कहा एक साल का तो तर्जमा फिर कर दूं लात बहू अमसिनतन तुम ना बा करो मगर क्या दो दानतासरा मगर ये के उसका हसूल तुम्हारे लिए क्या हो जाए मुश्किल हो जाए फतेज बहू तो फिर क्या तुम कर लो फिर तुम बेड़ में से दुम्बे में से और मैंडे में से ज्यादा जो है वो ज़िबा कर लो खीरा उसके बाद है बाप नंबर तीन बाप उदहैत नबी सल नबी नबीत व्लाम की कुर्बानी का जानवर और नबी नबीलाम की कुर्बानी आपकी कुर्बानी कैसे होती थी आपकी कुर्बानी का जानवर कैसे होता था इस बारे में ये हदीस नंबर ग्यारह सौ तैंतालीस वन वन फोर थ्री काफ इस हदीस के बयान करने पर इतफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मस्लिम का रवायत है अनस से और अनस कौन है अनस बिन मालिक उम्मे सुलेम के बेटे और नबी अली अलीसम के खादम जिन्होंने दस साल खिदमत की है किसकी नबी अली अलीसम की जब खिदमत शुरू की थी उनकी उम्र दस साल थी और जब आप आफौत हुए तो, तो जनाब अनस की उम्र कितनी थी बीस साल और ये अनस कहते हैं कि मेरी माँ और मे... लफ्ज़ बोलते हैं मेरी माए माँ मा नहीं कहते क्या कहते हैं मेरी माएँ तो मुराद क्या है इससे मेरी माँ मेरी खालाएँ, मेरी नानी वगैरह ये सब मुझे बार बार कहा करती थीं कि अल्लाह के रसूल की खूब खिदमत किया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये है अन इब्ने मालिक कहते हैं गहन नबी सला वसलम जनाब नबीम ने कुर्बान किए क्या बिकबई दो मैंडे कैसे जी अमलहैनी सफेद रंग की अमला की जमा है इसका एक माना होता है मुकम्मल सफेद रंग और दूसरा माना होता है कि सफेद रंग जिसमें कुछ स्याही भी हो और आप जानते हैं कि वो जानवर जो सफेद हो और कहीं कहीं हो वो कितना प्यारा लगता है खूबसूरत होता है और यही मुराद है उम्मीद यही है कि मुराद यहां पे है कि वो जानवर जो सफेद थे वो बकरे जो मैंडे वो सफेद थे लेकिन उनमें स्याही भी थी अकलनी बड़े बड़े सींगों वाले थे तो आप सलाम ने दो दो जिबा किए कुर्बानी के तौर पे जिबा किए जो कैसे थे अमला सफ़ेद रंग के लेकिन उनमें स्याही भी थी और अकलनी बड़े बड़े सींगों वाले थे बहा हम भी यदि आपने उन्हें ़िबा किया अपने हाथों से देखें नबी अली सलाम इस किस्म की इबादत ख़ुद किया करते थे हालांकि आप नबियों के इमाम और मदीना की रियासत के सरबरा फ़ौज के सिपा सालार और मदीना की अदालत के चीफ़ जस्टिस यानी कि इतनी मसरूफ़ियात इतनी ज़िम्मेदारियाँ और आपकी बीवियाँ भी हैं इस सब के बावजूद देखिए ये इबादत अपने हाथ से सर अंजाम देती हैं और हाथ के मौका पे आपने कितने ऊँट जिबा किए आपने ऊँट कितने कुर्बान किए थे सौ उनमें से तिरसठ अपने हाथ से आपने नहर किए थे आज हमारे जैसे को एक बकरी का बच्चा जिबा करना पड़े तो क्या होता है मुसीबत पड़ जाती है लेकिन नबी अलीसम को देखिए आपकी सखावत भी देखिए और ये देखिए कि इबादत का शौक और क़ तरे से ऊंट आपने खुद नहर किए थे और यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि आपने दो मैंनेडेबा किए भी अपने हाथ से वसम वकबर और उन पर बिस्मिल्ला पढ़ी और अल्लाह अकबर कहा यानी कि बिस्मिल्ला अकबर कहकर आपने उन्हें ज़िबा किया इनके कि अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया वादा अलीफाहिमा और आपने अपना पाँव रखा उन दोनों की गर्दन की एक जानब पे जिबा करते हुए आपने अपना पाँव पाँ कहां रखा गर्दन इनके मैंडे की गर्दन की एक जानब पे अब जहरा एक ही साइड पे रखेंगे ना क्योंकि मैं वो मैंडा तो लेटा हुआ होगा तो गर्दन की एक जानब नीचे होगी एक ऊपर होगी जो ऊपर होगी उसके ऊपर आपका पाँव होगा तो ये थी नबी अलीस्त की कुर्बानी के जानवर अब हदीस नंबर ग्यारह सौ चवालीस वन वन फ़ोर फोर मीम इस हदीस को रवात करने वाले इमाम कौन से इमाम मुस्लिम अन आयशा अन रसूल सल् वसम अमरबिकबिन अक़रन ऐशा से रवात है बेशक रसूल सल्हु वसलम ने हुक्म दिया मेंढे का मेंढा कैसा था बड़े बड़े सिंगों वाला यानी कि आपने हुक्म दिया कि वो लाया जाए और उसे आपने जिबा करना था तो आपने हुक्म दिया एक ऐसे मेंढे का कलन जो सिंगों वाला हो या फी सवा वो मेंढा चलता था स्या रंग में क्या मतलब उसके पाओ क्या थे सिया थे वबरुक सवा सवादिन और वह बैठता था स्या रंग में क्या मतलब उसका पेट स्या था वह सवा सवादिन और देखता था रंग में क्या मतलब आँखे। उसकी आंखें और उसके आंखों के इर्द गिर्द जो जगह थी वो क्या थी स्या थी तो कितना प्यारा होगा ये मेंडा? यानी कि जो बाकी सफेद होगा और उसके पाओ सफेद हैं और सिया है पेट, पेट सिया है और आंखें का इर्द गिर्द का इलाका जो है वो क्या है वो स्या है फोतिया भी तो उसे लाया गया भी ही ताकि आप उसे कुर्बान करें ताकि आप उसे कुर्बानी के तौर पर जिबा करें फकाल तो आपने उनसे कहा किनसे हदीस कौन बयान कर रही हैं उम उन आयशा रज अल्लाह तल्ला तो आपने उनसे कहा या आयशा आयशा आई हलुमिल मुदिया छुरी लेकर आओ हलुमी क्या क्या लाओ हलमुदिया छुरी छुरी लाओ सुम्मा काला फिर आपने कहा इशहादीहा बिहाजान ए छुरी को पत्थर के साथ तेज कर दो ये छुरी को पच्छर... पत्थर पत्थर पर मार के क्या कर दो तेज कर।, तेज कर दो इस छुरी को तेज कर दो बिहार किसी पत्थर के जरिए फफा हालत तो उमुल आशा ने ऐसा ही किया छुरी तेज की देखिए हमारी माँ घर के काम किया करती थी सुम आखा फिर आपने वो चूरी ले ली व आखदल कबशा और मेंढा भी आपने पकड़ लिया व जाओ उसको आपने ज़मीन पे लिटा दिया सुम्मा फिर उसको आपने ज़िबा किया सुम्मा काला, फिर आपने कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ यानी कि अल्लाह के नाम लेके मैं क्या करता हूँ बाह करता हूँ आप जानते हैं ना बिसमिल्ला के मना क्या होता है अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के नाम के साथ क्या यह लफ्ज महजूफ होता है सुनने वाले को भी पता है जिसको सुनाना है उसको पता है यह ऐसे ही है जैसे आप मुझसे पूछें आपका नाम क्या है तो मैं कहूंगा अब्दुल बासित पूरा जुमला क्या है कि मेरा नाम अब्दुल बासित है मेरा नाम अब ये अल्फाज महजूफ है मजकूर नहीं है लेकिन जो बोल रहा है उसको भी पता है अब्दुल बासित का मतलब यह है कि मेरा नाम अब्दुल बासित है और सुनने वाले को भी पता है तो ऐसे बिसमिल्ला से पहले एक फेल है जो महजूफ हुआ करता है जब आप तलावत करने से पहले कहते हैं बिस्मिल्ला मतलब ये होता है अल्लाह का नाम लेकर मैं तलावत करता हूं जब आप खाना खाने से पहले कहते हैं बिस्मिल्ला आप कहना चाहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना खाने लगा हूं जब आप जिबा करते हुए कहते हैं बिस्मिल्ला इसका मतलब कि अल्लाह का नाम लेकर मैं जिबा कर रहा हूं तो यह है बिस्मिल्लाह का नाम लेकर अल्लाह मह कब्बल मिन मोहम्मद व आल मोहम्मद कबूल फरमा मोहम्मद की जानब से और आल मोहम्मद की तरफ से व मिन उम्मत मोहम्मद और मोहम्मद उम्मत मोहम्मद सल्हसम से भी फिर आपने उसे जिबा किया फिर उसे आपने कुर्बानी के तौर पर जिबा किया तो देखिये नबी अली तो कुरबानी के जानवर का कितना अहमाम कर रहे हैं आज कई दोस्त जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो कुर्बानी का अहतमाम करते हैं लेकिन क्या के ड्राइवर से कह दिया अपने नौकर से कह दिया कुर्बानी के का लिए बकरा ले आना जिबा कर देना नहीं ये आप कुर्बान किसके लिए कर रहे हैं जानते हैं अल्लाह इज़्ज़त के लिए और अल्लाह आपका मोहताज नहीं है ना अल्लाह को आपके बकरे की ज़रूरत है ना अल्लाह को आपके माल की ज़रूरत हैहा वाला दिमा उहांग तकवा मिनकुम तुम जो कुर्बानी के जानवर जीबा करते हो ना अल्लाह के पास उनका गोश्त पहुंचता है ना अल्लाह के पास उनका खून पहुंचता है अल्लाह ताला तुम्हारे तकवे को तुम्हारे खलास को देखते हैं कि आपके दिल में कितना जज्बा है अल्लाह को इस बकरे के जरिए राजी करने का तो आपकी और मेरी सूर्त हाल तो उस मौका पे वो होनी चाहिए जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वल्लदीन ने मा आता वलूब हम वजी लुम मिला रबी हम राज तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की जो अल्लाह की राह में देते हैं क्या देते हैं जो भी देते हैं लेकिन देते इस हाल में है कि उनके दिल काप रहे होते हैं खौफजदा होते हैं उमन आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन है जो अल्लाह की राह में माल देते हैं फिर भी डाल रहे होते हैं क्या ये चोर है ये डाकू हैं ये बदकार हैं कौन है ये तो फरमाया ऐसा ना ये चोर हैं ना ये डाकू हैं ना ये बदकार हैं ये अल्लाह के नेक बंदे हैं अल्लाह की राह में देते हैं और डर रहे होते हैं कि वो शहनशाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि तो हम जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह के मेयार के मुताबिक सोफी तो नहीं होता जैसे अल्लाह चाहते हैं वैसे नहीं होता इसलिए टूटी फूटी इबादत अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए अल्लाह कबूल फ़रमा ले इब्राहिम आल्लाम बैतुल्ला तामीर कर रहे हैं साथ बेटा है बाप बेटे दोनों नबी हैं बैतूल तामीर कर रहे हैं अल्लाह का सबसे अजीम घर बना रहे हैं अल्लाह के हुक्म से बना रहे हैं और कह क्या रहे हैं रब्बना तकबल मन्ना या अल्लाह कबूल कर ले तो असल बात यह है कि अल्लाह ताली हमारी इन टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा ले असल बात यह नहीं है कि आपने हज पांच की ये दस की ये, पंद्रह की ये, बीस की, की ये पचास की ये असल बात यह कि अल्लाह कबूल कर ले तो अल्लाह कबूल फरमा मुहम्मद की जानब से व आली मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से आले मोहम्मद से मुराद कौन है इनके नबीम की फैमिली वन उम्मत मोहम्मद और कबूल फरमा उम्मत मोहम्मद की तरफ से सुम भी तो फिर आपने उस मैंडे को बतौर कुर्बानी ज़िबा किया अच्छा यहाँ पर एक सवाल उठता है सवाल ये है कि क्या मैय की तरफ से आप कुर्बानी कर सकते हैं इस बारे में एक रिवायत आती है अबू दाऊद शरीफ में तिरमदी शरीफ में कि जनाब अली रजील दो कुर्बानियाँ किया करते थे और उनसे सवाल हुआ कि आप दो क्यों करते हैं कहने लगे एक अपनी तरफ से और एक नबी अलीलात इस्लाम की तरफ से क्योंकि आपने मुझे वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी किया करना तो इस अदीज को दलील बनाया जाता है किसके लिए कि आप मैय की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं लेकिन गुजारिश यह है कि यह रवायत नबी अली इस्लाम से साबित नहीं है आपकी तरफ इसको मंसूब जरूर किया गया है आपकी तरफ जनाब अली की तरफ लेकिन ये रवायत आपसे साबित नहीं।, नहीं है इसलिए इसकी बुनियाद पर मयर की तरफ से कुर्बानी करना यह दुरुस्त नहीं होगा अलबत् मयत के लिए आप साल में कभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त कोई बकरा बतौर सदका खिलात कर सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन खास कुर्बानी करना यह साबित नहीं है सदका खिलात करना मयर की तरफ से यह साबित है यह आप कर सकते हैं इसीलिए इमाम तिरमदी राहल्ला जो इस हदीस को अपनी हदीस की किताब में लेकर आए हैं कौन सी हदीस को जनाब अली वाली हदीस को कि जनाब अली दो जानवर कुर्बानी के तौर पर ज़ीबा किया करते थे और कहा कि एक महिला के रूलू की तरफ से करता हूँ क्योंकि आपने वसीयत की थी इस रिवाय ये रिवायत तो ज़ीफ़ है तो इमाम तिरमदी इस हदीस के बाद इमाम अब्दुल्ला भी मुबारक का एक कौल नकल करते हैं किसका बिन मुबारक का वो कहते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मैत की तरफ से जानवर को बतौर कुर्बानी नहीं बतौर सदका खिलात के ज़िबा किया जाए ये बड़ी अहम बात इसको नोट करना चाहिए कि आप मयत की तरफ से जानवर बतौर कुर्बानी ज़िबा करते हैं और ये चीज साबित नहीं है बतौर सदका खरात करें कभी भी चाहे कुर्बानी के दिन कर लें लेकिन सदका खिलात का मतलब क्या होगा कि ये सदका है फिर कोशिश करें कि सारा गोश्न को दें फ़कीरों मस्किनों को दें और बतौर कुर्बानी का मतलब क्या होगा कि साल में आप तीन दिनों में ही कर सकते हैं चार दिनों में और दूसरा ये कि इसका गोश्त आप कुछ फ़कीरों को देंगे बाकी आप खुद खा पी सकते हैं लेकिन सदका हालात का मतलब होगा कि कोशिश करें कि सारा फ़कीरों मस्किनों तक पहुँचे और सदका खिलात करें लेकिन उसके लिए दिन मखसूस करना तीजा तीसरा दिन सातवां चालीसवां बरसी उर्स ये दुरुस्त नहीं, नहीं है अच्छा अब गुजारिश ये है कि वो लोग जो कायल हैं मयद की तरफ से कुर्बानी करने के वो एक तो पेश करते हैं जनाब अली वाली रवायत जिसके बारे में मैंने बता दिया वो क्या है वो सनत के लिहाज से जयीफ साबित नहीं है दूसरे नंबर पे वो दलील बनाते हैं इस रवायत को भी जो भी हमारे सामने है कि नबी अलीलात वम ने यह मेहंदाजीबा करने से पहले क्या कहा है अल्लाह के नाम से और फिर क्या कहा है अल्लाह कबूल फरमा मोहम्मद की तरफ से आले मोहम्मद की तरफ से और उमत मोहम्मद की तरफ से उमत मोहम्मद में जिंदा भी आते हैं और मुर्दा भी, मुर्दा भी। तो कहते हैं देखे नबी अलीसलाम ने मेहंदाजीबा किया अपनी तरफ से और आल मोहम्मद की तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से और उम्मत में कई ऐसे लोग थे जो फौत हो चुके थे पता चला कि फौज शुदा की तरफ से कुर्बानी करना जायज है तो हम गुजारिश ये करेंगे पहली बात तो ये है कि आप इस अधीज के मुताबिक जब अपना जानवर जिबा करें उसमें मैयत को भी शामिल कर लें लेकिन मैयत के लिए मुस्तकिली करना यह कहां से साबित है दूसरे नंबर पर इसमें कहाँ लिखा है कि नबी आल साम फरमा कि अल्लाह इस जानवर को मेरी तरफ से और आल मोहम्मद की तरफ से और उमत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा ये नहीं कहा आपने आपने कहा कबूल फरमा तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह जो कुर्बानी मैं कर रहा हूँ वो मेरी तरफ से और मेरी आल की तरफ से कबूल फरमा और जो लोगों ने की है वो उनकी तरफ से कबूल फरमा इसका यह मतलब भी तो हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उम्मत से मुराद आप जिंदा लोग ले रहे हो तो इसलिए कोई वादे तौर पे ऐसी दलील नहीं है जिसकी वजह से आप मजिर की तरफ से ए, कुर्बानी ए, 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 इनके मुस्तकिल तौर पे कर सकें इसलिए मजिर की तरफ से जब आप अपने जानवर ज़िबा करना हो तो बतौर सदका खिलात ज़िबा करें बाब नंबर चार बब अदनबारी क़ुरबानी के जानवरों के गोश्त को स्टोर करने की इजाज़त जखीरा करने की इजाज़त हदीस नंबर ग्यारह सौ पैंतालीस वन वन फोर फाइव इस हदीस के रवायत करने पर इतफ़ाक़ हुआ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अनसलम तबन अकवा रवायत जनाब सलमा बिन अकवासलमी रज़ी अल्लाह से वह कहते हैं क़ाल नबी सल वसम फरमाया नबी करीम सल वसम ने मन गिन कुम जो तुम में से कुर्बानी करे फलास्बा दस वफ़ी बेती ही मिनोशी तो वो तीन दिनों के बाद इस हाल में सुबह न करे कि उसके घर में कुर्बानी में से कुछ भी मौजूद हो क्या मतलब है इसका कि जो इन्होंने कुर्बानी की है वो तीन दिनों के अंदर अंदर कुर्बानी, कुर्बानी के गोश्त या खा लें या तकसीम कर लें तीन दिनों के बाद कुर्बानी का गोश्त मौजूद नहीं होना चाहिए स्टोर करने की इजाजत नहीं।, नहीं है जखीरा करने की इजाजत नहीं है तीन दिनों के अंदर जितना खुद खा सकते हैं खुद खा लें बाकी फकीरों मस्किनों को दें रिश्तेदारों को दें लेकिन यह कि आप स्टोर कर लें इसकी इजाजत नहीं है फलम कानकबिल जब आइंदा साल आया इनके आइंदा साल की कुर्बानी आई या रसूल तो उन्होंने कहा इनके सहाबा के नाम ने अल्लाह के रसूल न फाल फाल आम हम ऐसे ही करें जैसे गुजश्त साल किया था यानी कि तीन दिनों के अंदर अंदर हम ये गोश्त जो है वो गलों से ए इसको निकाल दें तीन दिनों के बाद हमारे घर में गोश्त का कोई हिस्सा रहना नहीं चाहिए क्या ऐसा ही करें इस साल भी काला आपने का कुलू खाओ वही और खिलाओ खिलाओ खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ वाखिर और क्या करो जखीरा करो खाओ खिलाओ और जखीरा करो इसका मतलब है कि गोश्त आप खुद भी खाएं कुर्बानी के मौका पे फकीरों मुस्किनों को दें महलिकदारों को दें पड़ोसियों को दें वखीरों जखीरा भी कर लें इजाजत है आपको क्योंकि उस साल किस साल पिछले साल जिस साल यानी कि मैंने कहा था कि तीन दिनों के अंदर अंदर ये गोश खा लो या तकसीम कर दो उस साल लोगों लोग मुशक्त में थे काना ना बिन लोगों लोग, लोग मशक्क़्त का शिकार थे लोग तकलीफ में थे भूख में थे फारत तो अन तोीनों फी तो मैंने चाहा कि तुम लोगों की इस मामले में मदद करो यानी कि वो पाबंदी जो थी वो एक साल के लिए थी हमेशा के लिए नहीं थी ये जो मैंने कहा था तीन दिनों के अंदर अंदर गोश्त तकसीम हो जाना चाहिए घर में मौजूद नहीं रहना चाहिए तो वो एक साल के लिए था क्योंकि फकीर बहुत ज्यादा लोग थे और जरूरत थी कि उन तक ये गोश्त पहुंचे तो फरमाया अब तुम खाओ भी जखीरा भी करो और तकसीम भी करो इससे क्या पता चला कि कुर्बानी का गोश्त स्टोर करने की ज़ख़ीरा करने की इजाज़त है लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा बकरा अपने घर में रख लिया जाए इसमें से हिस्सा निकाला जाए किन का फ़कीरों का मस्किनों का पड़ोसियों का कुछ लुमाई के नाम मशूर देते हैं कि आप इसे तीन हिस्सों में तकसीम कर लें एक हिस्सा अपने घर के लिए और एक हिस्सा फ़कीरों मस्किनों के लिए और एक हिस्सा तोहफा तयफ़ देने के लिए यानी कि रिश्तेदारों को और दो सहबाब को जो फकीर नहीं है फिर भी उनको दिया जाए मतलब बाब नंबर पाँच बाब ल खुद अलमुदही शाहन वन कुर्बानी करने वाला ना बाल ले और ना नाखन ले क्या मतलब ना बाल काटे और ना नाखन काटे कब ये वजात हदीस में आ रही है हदीस नंबर ग्यारह सौ छियालीस वन वन फोर सिक्स मीम इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अन उम स नबी साल रवायत उमसमा रदी अल्लाह कि बेशक नबी वसल्लम ने फरमाया इदार आई तुम हिलाल्जा जब तुम ज्जा का चाँद देखो माहे हज्जा का चाँद देख लो वह अराकुमही और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहता हो फल सिख अंशार ही वही तो उसे चाहिए कि अपने बाल और अपने नाखन काटने से रुक जाए बाल किसी भी तरीके से जायल ना करे ना मूडे ना काटे ना नोचे और नाखनों की भी यही सूरत हाल है उनको रहने दिया जाए कब तक जब तक कि आप कुर्बानी के जानवर ज़िबा नहीं कर लेते यानी कि जब चांद नजर आएगा जुल्हजा का तो कुर्बानी कितने दिनों के बाद होगी दस दिन के बाद तो इन दस दिनों में उस आदमी को अपने नाखून और अपने बाल काटने की या मूडने की या नोचने की जात नहीं है जो कुर्बानी करना चाहता है ये जो पाबंदी लगी है यह पाबंदी तनजीही है या तहरीमी है तहरीमी का मतलब होता है कि हराम है नाखून काटना बाल काटना या तनजीही है यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि बेहतर है कि आप बाल ना काटें नाखन ना काटें, लेकिन अगर आप काट लेते हैं तो गुनाह नहीं होगा सही बात यह है कि यह तहरीमी है हराम है उस आदमी के लिए उस आदमी पे हराम है जो कुर्बानी करना चाहता है कि वह अपने नाखून काटे या अपने बाल काटे इख्तलाफ मौजूद है लेकिन सही बात क्या है कि नहीं क्या है तहरीमी है उसके बाद यहां पे हदीस में क्या कहा गया कि जब तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहता हो और जी हजा का चांद देख ले तो फिर नाखून काटने से बाल काटने से बचे दूर रहे तो अल्फाज क्या है जो कुर्बानी करना चाहता हो तो इससे यूं लग रहा है कि जैसे कुर्बानी वाजब नहीं है कुर्बानी करने वाले से कहा जा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कुर्बानी करना तो फिर तुम्हारे लिए पाबंदी है तो अब सवाल पैदा होगा कि कुर्बानी करने का क्या हुक्म है क्या यह वाजब है यह सुन्नत है इस मसले में इख्तलाफ मौजूद है इस मसले में इख्तलाफ मौजूद है आमतौर पर वो माकर नाम की राय यह है कि कुरबानी करना सुनत मकदा है यह ऐसी सुनत है नबी अलीस्म की जिसकी ताकद आई है जिसकी हमीत बयान की गई इसका अहमाम करना चाहिए लेकिन वाजब नहीं है आम उलमा कलाम का मौकफ क्या कि वाजब नहीं।, नहीं है और कुछ उलमा कलाम के यह मौकफ है कि यह वाजब है वाजब कहने वालों के दलाइल में से एक दलील वो है जिसे इमाम इब्ने माजा रही महल्ला अपनी सुनल में रिवायत करती हैं जनाब अबू हुरैरा से वो रावी हैं कि फरमाया नबी अली सात उसम ने मलकान लहू सातन वलम फला जिसके पास कुर्बानी करने की गुंजाइश हो ताकत हो फिर भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी नए तो इन अल्फाज से क्या पता चला कुर्बानी वाजब है या वाजब नहीं है इनसे पता चला किर्बानी वाजब है लेकिन इस इन अल्फाज के बारे में इख्तलाफ है कि ये जनाब अबू रेहरा के जाती अफाज हैं या नबी अलीस्म के अल्फाज हैं तो अगर हम जनाब अबू रेहरा के अफाज मान लें कि ये जनाब अबू रहरा के अल्फाज हैं तो फिर भी यूं लगता है कि जैसे मरफू के हुक्म में हो क्या अब रहरा यह कह सकते हैं कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत ना हो तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए वो तभी कह सकते हैं जब उनके पास इस मामले में नबी अली सलाम की तालीमत हों तो इसलिए कुछ ओमाएक राम ने क़ुरबानी को क्या करार दिया वाजब और कुछ ने क्या कहा है? सुनते सुनत मक़दा तो बहरअल इस मामले में सुस्ती से बचना चाहिए जिसको अल्लाह ने माल दिया है साहब हसीयत है वो इस क़ुरानी वाले अमल को अख्तियार करे और इसमें सुस्ती न करे फसल रब चौथी फसल अल अलशरीबा व आदाबरब यह इसके बारे में है अलशरीबा पीने, पीने, पीने वाली चीजों के बारे में के और पीने के आदाब के बारे में बाब नंबर एक बाप इसमो मम आफलमाई उस शख्स के आ गुना जो फालतू पानी से लोगों को रोक दे जो जैद पानी से लोगों को रोक दे जिनके पानी उसकी अपनी जरूरत से जैद है फिर भी लोगों को पीने नहीं दे रहा लोगों को लेने नहीं दे रहा हदीस नंबर ग्यारह सौ सैतालीस वन वन फोर सेवन काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफाक है किस किस का इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी हुर रतकाल रवायत है जनाब अब हुररा रदी अल्ला से वो कहते हैं काल रसूल सल्ह वसलम फ़रमाया रसूल सल्ह वसलम नेलायल़ियाम वला वलुमादाबलीम तीन तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह तला क्यामत के दिन कलम नहीं करेगा वला युजी हिम और ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है कैसी है ये सजा बहुत ज्यादा बड़ी सजा है कि जिससे अल्लाह कलाम नहीं करेगा उसे अल्लाह जन्नत में भेजेगा बिल्कुल नहीं जिसमें अल्लाह इतने नाराज हैं कि उससे कलाम नहीं करेंगे उसको फिर भेजेंगे जहन्नम में भेजेंगे और इससे ये भी पता चला कि अल्लाह तला कलाम करते हैं कलाम करना अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है और कुरान पूरे का पूरा क्या अल्लाह का कलाम है इसीलिए हम कहते हैं कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं अल्लाह की क्या है अल्लाह की सिफत है अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम करते हैं मूसा अलैहि सलाम को हम कहते हैं कलीम अल्लाह क्यों क्योंकि अल्लाह ने उनसे बराए रास्त कलाम किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की आवाज़ में सुना है तो तीन तरह के लोग हैं कल्ली मोहम्म जिनसे अल्लाह कलाम नहीं, नहीं करेगा वलायू कीम और उन्हें गुनाहों से पाक नहीं, 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 नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है रजल मा इम बतरीक यमनाउमिन इबन सबील पहले नंबर पे वो आदमी जो फालतू पानी पे है किस पानी पे है बित तरीक ही रास्ते में रास्ते के पास वो रहता है रास्ते के पास उसका कुआँ है या रास्ते के पास कोई चश्मा है तो रास्ते के पास जो जैद पानी है उसकी ज़रूरत से जैद पानी है उस पर कोई आदमी है यमुना उमिन सबील, वो उस पानी से रोकता है कि इनको मुसाफरों को मुसाफरों को वहाँ से पानी नहीं लेने देता और हालांकि पानी उसकी ज़रूरत से क्या है जैद है ये भी पता चला कि अगर किसी ने कुआ खोदा है या किसी और तरीके से वो पानी हासिल कर रहा है और पानी उसके लिए नाकाफ़ी है तो वो अगर दूसरों को नहीं देता तो इसमें कोई मसला नहीं है इल्ला ये कि किसी और की जान निकल रही हो या कोई और बीमार हो रहा हो पानी ना मिलने से तो उसकी इतनी मदद कर दें कि उसकी बीमारी जाती रहे लेकिन आम हालात में जिसकी ज़मीन से पानी निकल रहा है जिसका कुआँ है वो पानी का ज़्यादा हकदार है लेकिन जो जैद पानी भी लोगों को ना लेने दे ये मुजरम है तो राजुल वो आदमी अला अलाफली माइन जो जैद पानी जरूरत से जैद पानी पे है बितरी के रास्ते में यमनऊँ वो रोकता है किन को लोगों को वो रोकता है किन को बिनसवीरी मुसाफरों को किस से मिल हुए जैद पानी से जो जैद पानी है वो भी मुसाफिरों को पीने नहीं देता।, नहीं देता तो ये क्या हो गया फिर कि इससे अल्लाह तला कलाम नहीं करेंगे और इसको अल्लाह पाक नहीं करेंगे उसके लिए क्या दर्दनाक अजाब है इमामन और एक वो आदमी जिसने किसी इमाम की क्या की बैत की बैत किस तो कहते हैं बैत एक माहे के नाम है बैत करने वाला जिसके हाथ पे बैत करता है उससे क्या करता है बैत लेने वाला मुआदा लेता है क्या कि मिसाल के तौर पे तुम शिरक नहीं करोगे नबी नाम ये मुआदा लिया करते थे बैत यूं कि तुम शिरक नहीं करोगे चोरी नहीं करोगे कत्ल नहीं करोगे नजाज़ तौर पर पे किसी परोमत पे वगैरह नहीं लगाओगे इस किस्म के अहद आप लिया करते थे तो फरमाया दूसरे नंबर पे वो आदमी है बा या इमाम जिसने किसी इमाम की बैत की ला युबा ये हो उसकी बैत नहीं की इल्ला अली दुनिया हो मगर उसकी दुनिया की वजह से कि मैं इसकी बैत करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा मार मिलेगा मैं इसकी बैत करूँगा तो ये मुझे कोई ना कोई उदा देगा मैं इसकी बैत करूँगा तो मुझे कोई ना कोई तोहफा देगा तो बैत करनी चाहिए किसकी वजह से अल्लाह की वजह से वोट आप मुसलमान हुक्मरान को अगर देते हैं तो किसके लिए आखरत के लिए दीन के लिए इसलिए नहीं कि मेरा यह काम कर देगा चलिए तो वो आदमी बा या इमाम जो किसी इमाम की बैत करे ला यू। उसकी लाइन ना करे इल्ला मगर मगर उसकी दुनिया की वजह से तो ये भी अजाब का शिकार होगा ए, इसके बारे में वजी वजात आ रही है किसके बारे में जो हुक्मरान की इमाम से मरा क्या वक़्त का हुक्मरान खलीफा और वो आदमी जो किसी इमाम की किसी कुमरान की बैत करता है लाबाला दुनिया मगर उसकी बैत नहीं करता मगर उसकी दुनिया की वजह से इसकी मजीद वजात क्या है कि इन आता मा यूरीदू वफाला अगर वो उसे दे कौन वो हुक्मरान इस आदमी को दे अगर वो इसको दे क्या मा जो ये चाहता है और ये क्या चाहता है दुनिया अगर वो इसको वो दे जो चाहता है तो वफाला तो उससे बैत को क्या करता है पूरा करता है उसकी बैत को पूरा करता है बैत मुदे के नाम है ना तो जिन चीजों पर मुहिदा किया था उनको पूरा करता है अपने तो इन आता हु। अगर हुक्मरान दे मायूद जो ये चाहता है वफा लहू तो उसके मददे को पूरा करता है इल्ला लम यफी लहू वरना उसकी बैत को पूरा नहीं करता तो ये आदमी भी जो क्या है मजमूम है ये भी शरीत ने इसको बुरा जाना है जो बैत हुन की करता है किसके लिए दुनिया की खातर तीसरे नंबर पे पर तीसरे नंबर पे वो आदमी जो किसी आदमी से बै करता है क्या करता है सौदा करता है बिशिल आतिन किसी सामान का कब करता है बादल असरी सौदा कब कर रहा है असर के बाद असर के बाद किसी को चीज बेच रहा है किसी से मुहिदा कर रहा है बह का फाला तो अल्लाह की कसम उठाकर कहता है क्या लकद ओ किया कदा वकदा यकीन यकीन उसे इसके बदले में इतना इतना माल मिल रहा था इतना इतना माल उसे मिल रहा था इनके मेरे पास खरीदने वाले आए थे घाक आए थे जो कह रहे थे कि ये चीज हमें बेच दो हम इतने में ले लेंगे मिसाल तो के तौर पर एक लाख रुपए की ले लेंगे तो कहते हैं अल्लाह की किस्म कहता बिहा यकीन उसको मिल रहा था बिहार इस सौदे के बदले में इस सामान के बदले में क्या कदा वकदा इतना इतना माल इतने इतने पैसे फसद द कहू तो उसने इसकी तस्दीक कर दी किसने मुश्तरी ने मुश्तरी ने इसको सच्चा जाना खरीदने वाला मुश्तरी कौन होता है खरीदने वाला खरीदने वाला चाहता था यह चीज मिल जाए उसको आठ सौ रुपए की और यह डटा हुआ था किस किस पे एक हजार पे यह उसको मुतमिन करने के लिए कहता है भाई मैं तुम्हें आठ सौ की कैसे दूं मेरे पास तो गाहक मौजूद हैं जो हजार रुपए की खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है जुड़ बोल रहे कसम उठा दी है तो फरमाया तीसरे नंबर पे वो आदमी बा या बान जिसने किसी आदमी से बै की आतिन किसी सामान की कब की बाद सर लास्र। असर की नमाज के बाद फहाला फबील्ला तो उसने अल्लाह की कसम उठाई किसने बेचने, बेचने वाले ने लकद ओती अलबत्ता तहकीक उसे दिया गया बिहा इस सामान के बदले में क्या कदा कदा इतना इतना माल फा कहो तो उसकी तस्दीक कर दी किसने खरीदने वाले ने फ आहद तो उसने उसको ले लिया कितने में एक हजार में ख्वाहिश थी कि मिल जाए कितने में सात सौ में आठ सौ में लेकिन जब इसने कस्में उठाई भाई एक हजार रुपए का तो कल मेरे पास ग्राहक आया था तो इसने समझा कि सच बोल रहा है तो उसने एक हजार में क्या कर लिया उसको खरीदना मंजूर कर लिया फसद कहू तो उसने इसको सच्चा जाना किसने खरीदने वाले ने फ तो उसने ये सामान ले लिया वलम यो तभी हा। हालांकि उसको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था किसको? बेचने वाले। बेचने वाले को इस सामान के बदले में कोई पेशकश नहीं हुई थी और क्या कह रहा था मुझे पेशकश हो चुकी है एक हज़ार रुपये की इसका रेट लग चुका है एक हज़ार रुपये का मैं आपको ये गाड़ी कैसे दे दूँ नौ लाख रुपये में दस लाख का तो इसका रेट लग चुका है अच्छा यहाँ पे सजा क्या बयान हुई है कि ये तीन लोग कौन हैं कि इनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा और ना ही इनको गुनाहों से पाक करेगा।, पाक करेगा और इनके लिए क्या दर्दनाक अजाब है और ये कौन है नंबर एक जैद पानी से मुसाफिरों को रोकने वाला नंबर दो हुकुमरान की बैत करने वाला किस लिए सिर्फ दुनिया की खातर नंबर तीन जो असर के बाद झूठी कस्बे उठा के सामान बेचता है यही सजा दीगर आदीस में कुछ और लोगों के लिए बयान हुई है मिसाल के तौर पर मुस्लिम शरीफ के एक आदीस में बयान हुआ है यही सजा के अल्लाह कलाम नहीं करेगा अल्लाह पाक नहीं करेगा दर्दनाक अजाब है किसके लिए बूढ़े जानी के लिए बूढ़ा है फिर भी बदकारी करता है नंबर दो बादशाह होकर जो झूठ बोले भी बादशाह को झूठ बोलने की क्या जरूरत है तुम तो बादशाह हो भाई और मगरूर और मतकबर किस्म का फकीर फकीर होकर क्या है मुतकबर हालांकि जिसके पास माल ना हो उसको तकबर करने की क्या जरूरत है बड़ा बनने की क्या जरूरत है लेकिन एक ऐसा आदमी है जो फकीर है लेकिन फिर भी क्या है मगरूर और मतकबर तो ये तीन तरह के जो लोग हैं बूढ़ा होने के बावजूद जना करने वाला बादशाह होने के बावजूद झूठ कहने वाला और फ़कीर होने के बावजूद गुरूर करने वाला तकबर करने वाला ये तीनों ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़लाम नहीं करेगा और इनको अल्लाह तला पाक नहीं करेगा उनके लिए क्या दर्दनाक अजाब है ये हदीस कहाँ आई थी मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस उसमें भी यही सज़ा आई है कि तीन तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह के नहीं करेगा जिनको पाक नहीं करेगा वो कौन है नंबर एक अपनी शलवार या चादर वगैरह को टकरों से नीचे लटकाने वाला नंबर दो एहसान करके एहसान जतलाने वाला और नंबर तीन वो जो अपना सामान झूठी कस्में उठा के बेचता है तो ये सारे जो गुनाह हैं इन तमाम से बचना चाहिए क्योंकि जो सजा आई है वो बड़ी सख्त है कि अल्लाह कलाम नहीं करेगा कौन सा कलाम प्यारो मोहब्बत पे मबनी कलाम वरना जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो अल्लाह कलाम करेंगे लेकिन क्या वो कलाम अल्लाह तला मोहब्बत से करेंगे नहीं वो मोहब्बत पे मबनी कलाम नहीं होगा उसके बाद बाब नंबर दो बाब अन नह यू खड़े होकर पीने की ममानत यानी कि मना है कि आप खड़े होकर कोई चीज़ पिए जो चीज़ पीनी है कैसे पिए बैठ कर, कर पिए हदीस नंबर ग्यारह सौ अड़तालीस वन वन फोर एट्स मीम इस हदीस को रियाद करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम आन अबी सैद नील ख़ुदरी अन्ना रसूल अल्लाह वसम अन शुरबा इमा अबू सद खुदरी से रवायत है रज़ी अल्लाह तन से कि बेशक रसूल सल्हुस वसम ने खड़े होकर कोई भी चीज़ पीने से मना फरमाया है और हदीस किस किताब की है मुसलिम शरीफ की इससे पता चला कि शरीय खड़े होकर कुछ पीने से रोकती है आगे चलती हैं क्योंकि मजीद गुफ्तु उन अदीस के साथ होगी जो बाद में आ रही है बाब नंबर तीन बाब मिन जमजम वही का इमन जमजम वगैरह पीते हुए क्या करना खड़े, खड़े होना जमजम वगैरह खड़े होकर पीना बाब तीसरा है किस बारे में जमजम वगैरह खड़े होकर पीना हदीस नंबर ग्यारह सो उनचास वन वन फोर नाइन काफ इस अदीस के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किसका बुखारी इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का आब्बास रदी अल्लाह रवायत है जिनाब से वो कहते हैं सकीत रसूल सल वसलमा बिन जमजम फशारी बबाका मैंने नबी अलीस्तातम को जमज़म पिलाया कौन कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं फशालीबा तो आपने पिया इस साल में कि आप क्या थे खड़े थे खड़े होकर ही आपने पिया अब कुछ लोग कहते हैं इससे पता चला कि आमतौर पर पानी बैठ कर पीना चाहिए लेकिन जमजम जम खड़े होकर पीना चाहिए तो ये मौकफ सही नहीं है नबी अलीसम ने हर कोई भी पीने वाली चीज हो तलीमा दी है कि बैठ कर पी जाए खड़े होकर पीने से आपने मना किया है लेकिन आपने जमजम खड़े होकर पिया तो ये इसलिए नहीं कि जमजम का तरीका ये है कि खड़े होकर पिया जाए ऐसी बात नहीं है बल्कि मुराद ये है कि जमजम हो या कोई और पानी अगर किसी वजह से आप खड़े होकर पीते हैं तो गुनाह नहीं है तो फिर जो आपने रोका था बैठ खड़े होकर पीने से तो वो रोकना नहीं तहरीमी नहीं है बल्कि क्या है? नहीं तनजीही है यानी कि उसका मतलब यह नहीं है कि खड़े होकर पीना हराम है बल्कि उसका मतलब यह है कि खड़े होकर पियेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है यह अच्छी बात नहीं है तो अब अब्दुल्ला अब्बास क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको जमजम पिलाया तो आपने खड़े होकर पिया तो क्या जमजम के अलावा कोई दूसरा पानी कभी आपने खड़े होकर नहीं पिया पिया है अगर आपने को और पानी खड़े होकर कभी ना पिया होता तो हम कहते पानी बैठकर पीना चाहिए सिवाए जमजम के, के वो खड़े होकर पीना चाहिए लेकिन जमजम के अलावा दूसरे पानी भी हैं जो आपने कभी खड़े होकर पिए हैं तो अब रिजल्ट यह निकलेगा कि पानी आम तौर पे बैठकर पीना चाहिए अलबत् अगर कभी किसी वजह से आप खड़े होकर पी लेते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं।, नहीं है तो यह है अब्दुल्ला अब अब्बास जो क्या कह रहे हैं मैंने अल्लाह के रसुल को जमजम पिलाया आपने इस साल में पिया कि आप खड़े थे अच्छा जी और इसी बारे में एक और अदीस है अदीस नंबर ग्यारह सौ पचास वन वन फाइव ज़ीरो खा इस अदीस को रवात करने वाले इमाम कौन से इमाम हैं बुखारी अन अली रज़ी अल्लावात है चौथे खलीफा राशिद जनाब अली रज़ी अल्लाह तल दो उन्होंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ाई सुम्मा सुम्कादी हवा जिन्नास फिर लोगों की हाजतों के लिए बैठ गए लोगों की हाजात की वजह से बैठ गए कि लोगों की शिकवे सुनना शिकायतें सुनना ज़रूरियात सुनना इसके लिए बैठ गए कहाँ बैठे कोफा के सहन में फुरह क्या है कोफा की मस्जिद के सहन में क्योंकि जनाब अली जनाब उस्मान के बाद दारकूमत कहाँ ले गए थे वो दार वो कोफा में ले गए थे तो इसलिए कोफा में रहते हैं तो कोफा में जोर की नमाज पढ़ाई है और लोगों की हाजात के लिए बैठ गए हैं कहाँ बैठ गए हैं कोफा की मशद कैसे में? हती हजरत सरात उलासरी यहाँ तक कि असर की नमाज का वक़्त हो गया सुम होती है बीमा फिर आपके पास क्या लाया गया पानी फशरीबा तो आपने पानी पिया व गसल वजह व यदही और आपने अपना चेहरा और अपने हाथ धोए वज़ाकर रासहु व रिजलई रावी कहते हैं और तस्करा किया तस्करा किसका किया सर का और पांव का यानी कि आपने पीछे आया ना कि आपने चेहरा धोया और हाथ धोए तो एक रावी कहते हैं आपने पाव भी धोए और सर का मसा भी किया ये चीजें भी आई हैं सुम काम इसके बाद आप खड़े हुए काम तो आपने अपने का बाकी मंदा पानी ये साल में किया कि आप पिया कि आप क्या थे खड़े थे कौन बना हंस अली जनाब अली जनाब अली।, अली ने अपनी वो का बचा हुआ पानी साल में पिया के वो खड़े थे सुम का फिर फरमाने लगे क़यामन बेशक कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को क्या समझते हैं गलत जानते हैं नापसंद करते हैं यकरहून इसको इसको नापसंद करते हैं जबकि नबी अलैहिस्सलाम तो ने सन मा सनातो ऐसे किया था जैसे मैंने किया है जैसे मैंने अपने वज़ू का बाकी मंदा पानी पिया है खड़े होकर पिया है मैंने नबी अली सातुस्म को ऐसा करते हुए देखा है ये कौन कह रहे हैं जनाब अली कह रहे हैं। तो अब जनाब अली ने आम पानी खड़े होकर पिया है और नस्बत की है कि इसकी तरफ नबी अलीसलाम की और रूप अब्दुल्लाब अब्बास की रवायत भी आ गई है कि आपने जमजम पिया खड़े होकर पिया और इसके अलावा कब्शा की हदीस है तिरमेदी में आती है उसमें आता है कि आप उनके घर गह में गए और फिर मशकीजे से आपने खड़े होकर पानी पिया तो इन तमाम आदीस को मिलाई तो अब रिजल्ट यह निकलेगा कि खड़े होकर पानी पीना यही अफजल है यही बेहतर है और बैठकर पीना क्या है बैठ कर पीना हां बैठकर पानी पीना क्या है मादत के साथ बैठकर पानी पीना क्या है अफजल है और खड़े होकर पानी पीना जायद है जबकि वजह हो? खड़े होकर पानी पीने से बचा जाए क्योंकि आपने रोका है लेकिन हम कहेंगे वो जो आपने रोका है वो हरमत पे मबनी नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर पानी पीना हराम है अगर उसका मतलब ये होता है खड़े होकर पानी पीना हराम है तो खुद आप खड़े होकर पानी ना पीते जब आपने खड़े होकर पानी पिया है दो तीन बार तो अब मतलब ये निकलेगा शरीयत का उसूल ये निकलेगा कि पानी बैठ कर पीना चाहिए यही अफसल है लेकिन अगर कभी किसी वजह से आप खड़े होकर पी लेते हैं तो गुना नहीं है क्योंकि आपने जमज़म भी पिया और जनाब अली बता रहे हैं कि आपने वज़ू के बाद वज़ू का बाकी मंदा पानी पिया इसका मतलब है कि वह जमजम नहीं था और फिर त्रिमरी करवैद के कब्शा औरत के घर से आपने मशकीज़े से खड़े होकर पानी पिया तो इससे पता चला कोई वजह हो तो खड़े होकर पानी पिया जा सकता है यह जमजम आपने खड़े होकर पिया इसके बारे में वो माकर बताते हैं कि शायद वहाँ पर क्या था कीचड़ था क्योंकि हाजी साहब पानी पीने उधर ही आ रहे थे तो आपको पानी दिया गया तो वहां पे कीचड़ हो चुका होगा इसलिए आपने खड़े होकर पानी पी लिया और मैं समझता हूं कि उसके बाद आज के दर्श का यहीं पे अहतम करते हैं उसके बाद एक नया मौजू है तो उस पर गुफगु इनशा आइंदा दरस में होगी और आज के दरस का यहीं पर अखताम करते हैं खड़े होकर पानी पीने की ममानत आई है और बेहतर यहीं है कि बैठ कर पानी पिया जाए लेकिन अगर कभी कोई खड़े होकर पानी पी लेता है तो इन शाला उसमें कोई हलज नहीं है लेकिन इसको अपना मामूल नहीं बनाना चाहिए मामूल यहीं है कि इंसान बैठ कर पानी पिए अल्लाह रब्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रबुज़त इन अहदादीस पेमल करने की तोफ़ी दे इनको समने की तोफ़ी दे दूसरे लोगों तक पहुँचाने की तोफ़ी दे और अल्लाह हमें तोफ़ी दे कि हम ये दौरा खैर व सलामती के साथ मुकम्मल करें और तमाम अहदीस का दरस लें और डटे रहें इस पर इस्तकामत का मुजाहरा करें अल्लाह ताला आप सबके रिजक में सबकी औलाद में सब के इलम में सबकी सेहत में बरकतें डालें सब की परेशानियाँ दूर फ़रमाए वो माली हों या दीगर परेशानियाँ हों अल्लाह सब को अच्छी अच्छी जॉब दे मुलाजमत दे रिजके हलाल दे रिजके और हराम से अल्लाह ताला महफूज रखे व रब्बिल आलमीन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल बेलाइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहाँ वक्तन फावक्ता आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहे अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज